हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस क्लास इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो अभी हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो टीचर का और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा क्लास देखने के बाद एक कमेंट कर देना है। क्या करना है, क्लास देखने के बाद कमेंट करना है। कमेंट में क्या क्या लिखना है, क्लास कैसे करनी है, इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे हम अभी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पॉइंट्स में। यहाँ पे है हाउ टू स्टडी। अब आपकी साइंस टीचर ने आपको वीडियो दे दी, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है इसको समझते हैं। कैसे पढ़ना है, चलिए आपको क्या करना है, आप जब भी क्लास देखेंगे आपको अपनी बुक अपने साथ रखनी है। क्या करना है, अपनी बुक को अपने साथ रखना है। ओके स्टूडेंट्स, रीज़न क्या है अपनी बुक को अपने साथ रखने का, क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रही है, वहाँ पे जब आप अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, आपके साइंस टीचर आपको कैसे पढ़ा रही हैं, बुक से पढ़ा रही हैं, बुक के सारे पैराग्राफ को कवर अप करके पढ़ा रही हैं, जिससे सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को एक एक पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बुक में एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपको पता ना हो, सारे वर्ड क्लियर हों आपको। ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, जिससे सारे वर्ड साइंस के आपको क्लियर हो। जब आपके सारे वर्ड क्लियर रहेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आपको सारी चीज़ें लर्न अच्छे से होंगी। तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या है कि हमें चीज़ों को समझना है, हमें साइंस को समझना है। साइंस किस लिए होता है, साइंस को समझना होता है। ठीक है, साइंस को समझना होता है। साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है, साइंस समझने वाली चीज़ है। तो इसलिए हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं लर्निंग का, हम बुक के साथ। यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग को क्या करना है, जब भी आप क्लास करेंगे तो ये पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है। क्या करना है, कीप योर बुक विथ योर सेल्फ। अपनी बुक को अपने साथ रखना है, साथ में एक पेंसिल रखना है। ठीक है, जब भी आप क्लास देखेंगे अपनी बुक को रख लेंगे, अपने साथ एक पेंसिल को रख लेंगे। पेंसिल से क्या करना है, जैसे कि मैम ने आपको एक पैराग्राफ बताया, एक एग्जांपल समझते, जैसे कि मैम ने आपको एक पैराग्राफ बताया, उसमें मैम ने कहीं पे स्टार बना दिया। क्या किया, स्टार बना दिया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में, टेस्ट में पूछा जा सकता है, या आप आगे 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, वहाँ पे हायर क्लासेस में आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेनी है, या पेंसिल से वहाँ पे आपको भी 2 स्टार बना लेने हैं। इससे क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, आप अपनी बुक खोलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने क्या चीज़ बोली थी, कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम देगा। तो आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल अपने साथ रखनी है, कीप योर बुक विथ योर सेल्फ, अपनी बुक अपने साथ रखनी है क्लास करते टाइम, और साथ में अपनी पेंसिल भी अपने साथ रखनी है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि मैम ने बताया आपको कि बच्चों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो रोज़ की क्लास में 2 से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो सिर्फ 1-1 लाइन के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, 1 लाइन के होते हैं ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस 1 लाइन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में हेडिंग के साथ लिखना है। कैसे लिखना है, आप हेडिंग डाल लेंगे, जैसे अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, अभी हमारा चैप्टर 1st चल रहा है, तो आप अपनी कॉपी के पहले पन्ने में हेडिंग डालेंगे, चैप्टर 1st, टॉपिक डाल लेंगे, और नीचे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार बना के लिख लेंगे कि मैम ने ये बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग लर्न कर लेंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। और क्या करना है, जब भी आप वीडियो क्लास देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जब भी आप वीडियो क्लास करेंगे तो आप ये तीसरा पॉइंट भी फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, कमेंट इन वीडियो, वीडियो में कमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपकी मैम आपको पढ़ा रही है, मैम को कैसे पता चलेगा किस किस बच्चे ने वीडियो देख ली है, कैसे पता चलेगा मैम को, जब आप कमेंट कर देंगे। कमेंट में क्या करना है, कमेंट में क्या लिखना है, थैंक्स मैम या थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक्स मैम या थैंक यू मैम। अब मैम को कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी कॉपी कंप्लीट की है, नोट्स कंप्लीट की है। कमेंट सेक्शन में आप क्या लिखेंगे, माय कॉपी इज़ कंप्लीट या माय कॉपी इज़ कंप्लीटेड मैम। ठीक है, आपको कमेंट में क्या करना है, थैंक्स मैम माय कॉपी इज़ कंप्लीटेड या थैंक यू मैम माय कॉपी इज़ कंप्लीटेड। या पहला पॉइंट तो ये हो गया। और आप कमेंट में क्या लिख सकते हैं, और आप कमेंट में लिख सकते हैं, थैंक यू मैम आई प्रिपेयर माय नोट्स डेली। क्या कर सकते हैं, आई प्रिपेयर माय नोट्स डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इतनी चीज़ें जो हैं मेंशन करनी है वीडियो देखते टाइम, जिससे आपकी मैम को पता चल सके कि एट्थ क्लास के या सेवन्थ क्लास के, सिक्स क्लास के कितने बच्चे हैं जो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको डेली डेली बेसिस पे इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है और करना है, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है आपको। जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी बुक को अपने साथ रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सारे लिखना है। क्या क्या करना है आपको, अपनी बुक को अपने साथ रखना है, कीप योर बुक विथ योर सेल्फ, राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। और क्या करना है, वीडियो देखने के बाद उसमें नीचे कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे कमेंट कर देना है। क्या कमेंट करना है, थैंक्स मैम या थैंक यू मैम माय कॉपी इज़ कंप्लीटेड, या कहना है वहाँ पे क्या कहना है, मैम आई प्रिपेयर माय नोट्स डेली, मैं अपना नोट्स रोज़ बनाता हूँ, या मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रोज़ लिखता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मैम को बता देनी है, जिससे मैम भी इंश्योर हो जाए कि आहा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों को समझ करके पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों को समझ कर पढ़ाई करनी है, इसलिए आपकी मैम आपको बुक से पढ़ा रही है। कैसे पढ़ा रही हैं, बुक से सारे पैराग्राफ को कवर करके पढ़ा रही हैं, जिससे आप लोग अपना हर एक टॉपिक, हर एक पैराग्राफ आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एट्थ क्लास आपके लिए न्यू क्लास है, जो बच्चे सिक्स से सेवन्थ में आए हैं उनके लिए ये न्यू क्लास है। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये पॉइंट जब फॉलो करेंगे तो आपको साइंस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको साइंस एकदम क्लियर बेसिस में आएगा, आपको जब साइंस माइंड में क्लियर रहेगा, टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हम मुझे पूरा चैप्टर विथ कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा चैप्टर विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे चेक कर दी, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और इसको क्या करना है, इसको आज से ही, इसी वीडियो से ही इसको फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है इन पॉइंट्स को, आज से ही फॉलो करना है। जब आप आज से ही इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इस वीडियो में और पुरानी एट्थ क्लास की वीडियो में जा करके कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे मतलब आपकी मैम को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों ने नोट्स बना लिया है, आप लोगों ने अपनी बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर ली है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है क्रॉप प्रोडक्शन के आगे वाला पार्ट, आज हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा था। हम प्रीवियस क्लास में कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था, हमने सॉइल प्रिपरेशन तक का पोर्शन कवर अप कर लिया था।
क्रॉप, सोइंग सीड्स, ये सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर लिए थे। तो चलिए एक हम शॉर्ट छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ जाए। तो सबसे पहले बात करूँगी ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में MS स्वामीनाथन लेके आए थे। कौन लेके आए थे? MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस कराया था? MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ही हम लोग अपनी खेती और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिससे हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिले, जिससे हमारी जो हाई ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, उसको हम खाना खिला सके। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था कि पुराने समय के जो लोग थे, अर्ली मैन एनिमल को मार के उसको खाते थे, खाने बना के। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खेती करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चावल बोया, चावल की खेती शुरू की। उसके बाद वो धीरे धीरे खेती करने लग गए। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने और चीज़ों की खेती करनी स्टार्ट कर दी, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया था? MS स्वामीनाथन लेके आए थे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में खेतों को, हमारे खेतों को कुछ ऐसी मशीनें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, किसान ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र हमारे किसानों को दिया जाता है, जिससे हमारी जो खेती है, क्रॉप्स है, वो अच्छे से ग्रो करे और न्यूट्रिशन रिच क्रॉप ग्रो करे। ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए आया था। उसके बाद क्रॉप क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि एक ही तरीके के प्लांट को ग्रो करना क्रॉप कहलाता है, एक ही तरीके के प्लांट को लार्ज एरिया में ग्रो करना क्रॉप कहलाता है। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप लोग भी अपनी बुक का पेज सेकेंड में आइए। यहाँ पे हमने देखा था क्रॉप कितने तरह की होती है। क्रॉप 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी क्रॉप? पहले को हम कहते हैं फूड क्रॉप, दूसरे को हम कहते हैं कैश क्रॉप, तीसरे को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, और चौथे को क्या कहते हैं हम? हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यहाँ पे मेंशन है चौथा। तो ये 4 टाइप्स के क्रॉप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था? रबी क्रॉप्स, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारे यहाँ, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। हमने 2 चीज़ें डिस्कशन की थी, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि मैम हमने अपनी कॉपी में इसको लिख लिया है। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं और रबी क्रॉप क्या होते हैं, इसकी PDF मैम ने आपको आपके स्कूल साइट पर भेज दी है, उसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। और खरीफ क्रॉप क्या होते हैं इसके बारे में मैं फिर से बता देती हूँ। खरीफ क्रॉप कब ग्रो करते हैं? ये रेनी सीजन में इसको लगाया जाता है। ये कब से कब तक होता है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में, मतलब जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल आप इसके 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसमें क्या है? राइस, जूट, मेज़ और कॉटन। ये एग्ज़ाम में डिफरेंस के बेसिस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। ठीक है, रबी क्रॉप्स क्या होता है? रबी क्रॉप्स कब से कब लगाया जाता है? अक्टूबर से मार्च तक के लिए लगाया जाता है, मतलब अक्टूबर में इसको खेतों पे लगाते हैं और मार्च में इसको इसकी कटाई कर लेते हैं या इसे काट लेते हैं। एग्जांपल में क्या क्या है? वीट, वीट मतलब गेहूं, मस्टर, ग्रास, पी, पोटैटो, ये सारी चीज़ें किस में आती? रबी क्रॉप्स में आ जाती हैं। और अक्टूबर से और मार्च के बीच में कौन सा सीज़न होता है? विंटर सीज़न होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की थी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कौन से 9 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है? ये पूरे 9 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो एग्रीकल्चर का
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला पॉइंट क्या है, सॉइल प्रिपरेशन। मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है कि आप अगर खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉइल प्रिपरेशन करनी है। सॉइल प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मिट्टी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके उसे लूज कर देना है, ठीक है, इसको कहते हैं हम सॉइल प्रिपरेशन। उसके बाद सोइंग सीड्स करनी है, उसके बाद हम सीड लगाते हैं, कैसे कैसे मेथड से लगाते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम उसमें फर्टिलाइजर्स और मेन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, या एक नेचुरल खाद जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, पहले गाय का डंग यूज़ करते थे एज अ खाद, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी देना, प्लांट्स को पानी देना। पानी देने के बहुत सारे मेथड है, ट्यूबवेल से पानी देना, या आजकल मोटर पाइप आ गया उससे पानी देना, या आज एक नया मेथड आ गया है आज के टाइम पे, क्या है, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकल मेथड में एक नल होता है जिसको हम अपने खेतों तक पहुंचा देते हैं, ऐसा नल होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके चार पॉइंट्स बने होते हैं। तो ये नल कैसा होता है, ये अपने टाइम पे स्प्रिंग करता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रिंग करता है, जिससे पानी की जो बूंदें वो दूर तक जाती हैं और धीमे धीमे जाती रहती हैं, इससे हमारे प्लांट्स को पानी मिल जाता है। उसके बाद वीडिंग, वीडिंग के बारे में डिस्कस किया था। फिर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है जो क्रॉप को हमारी बर्बाद कर देते हैं। मतलब अगर हमारा प्लांट छोटा होता है फिर और बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, तो जब हमारा प्लांट छोटा होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको खाने लगते हैं या इसको ख़राब कर देते हैं, तो इसके लिए हमें क्रॉप को अपनी प्रोटेक्ट करना रहता है। क्रॉप प्रोटेक्ट कैसे होती है, क्रॉप प्रोटेक्ट होती है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स से। हमारी गवर्नमेंट हर किसान को पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करवाती है जिससे वो अपनी क्रॉप प्रोटेक्ट कर सके और अपनी क्रॉप को बचा करके उसको बड़ा करके ग्रोथ करके अपनी क्रॉप का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्ट में होता है कटाई करना, मतलब जो क्रॉप को हमने उगाया उसको कटाई करना विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर्स, मतलब काफ़ी सारे ऐसे टूल हैं जिससे हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो है थ्रेशिंग और स्टोरेज का। कटाई करने के बाद हम अपना जो हमारा अनाज है उसको कैसे स्टोर करें, कैसे सेफली स्टोर करें कि उसे चूहा ना खा ले, उसे दूसरे जानवर ख़राब ना कर दें, तो ये सारे पॉइंट हैं सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ये सारे पॉइंट ही हम डिस्कस करेंगे आगे, आगे की क्लासेस में यही सारे 9 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और हमने क्या देखा था, और हमने सॉइल प्रिपरेशन देखा था। सॉइल प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती, मैंने अभी कहा द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। पहला क्या है, सॉइल प्रिपरेशन का पहला पार्ट क्या है, प्लगिंग। प्लगिंग में क्या होता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं जिसके कारण सॉइल जो होता है, हमारी मिट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे जब प्लांट हम ग्रोथ करते हैं तो उसकी जो रूट होती है वो नीचे तक जाती है, जब रूट नीचे तक जाएगी तो वो अच्छा वाटर अब्जॉर्व कर पाएगी, वो मिनरल्स एब्जॉर्व कर लेगी, और जब क्लीन वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्व करेगा तो हमारा जो प्लांट है वो एक अच्छी ग्रोथ लेगा। प्लांट क्या होगा, अच्छी ग्रोथ लेगा, प्लांट हेल्दी होगा। हेल्दी प्लांट्स जब हम खाएंगे तो हम लोग भी हेल्दी हो जाएंगे, इसलिए सॉइल प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खेती करने जाएं तो ये पहला पॉइंट ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमने क्या डिस्कस किया था, आगे हमने देखा था कि प्लगिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फार्मर का फ्रेंड कौन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मर का फ्रेंड है, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, फार्मर का फ्रेंड है। जब हम मिट्टी को ऊपर नीचे करके लूज कर देते हैं तो अर्थवर्म वहाँ पे अच्छे से एग्जिस्ट कर पाते हैं। जब अर्थवर्म अच्छे से होते हैं ये मिट्टी को और ज़्यादा लूज करने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थवर्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस, ठीक है, टू इट। प्लांट को क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं और फिर से सॉइल को और लूज कर देते हैं।
और क्या करते हैं अर्थवर्म, डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो डेड प्लांट होते हैं, जो प्लांट सूख के मिट्टी में गिर जाते हैं, और ऐसे एनिमल जो मर जाते हैं वो फिर से डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे प्लांट अपना नाइट्रोजन या न्यूट्रिशन वापस से उससे ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इसके बाद प्लगिंग टूल डिस्कस किया था। प्लगिंग टूल में कौन कौन से टूल डिस्कस किए थे, यहाँ पे फोटो में देख लेते हैं फटाफट। प्लगिंग टूल में ये प्लग डिस्कस किया था। ये प्लग कैसा होता है, लकड़ी, इसका पीछे वाला हिस्सा लकड़ी का बना होता है और आगे वाला लोहे का बना होता है। इसके बाद हमने ये देखा था हो भी यूज़फुल है खेती के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हम आज के टाइम पे जिनके पास ट्रैक्टर है या आज के टाइम पे थोड़ी सी मेहनत कम करके हम कल्टीवेशन अच्छा कर सके, मतलब क्रॉप को अच्छे से ग्रोथ कर सके, और टाइम भी हमारा बच जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो ट्रैक्टर के पीछे ये एक ऐसा डिवाइस है, इसमें साइड में लोहे के ऐसे ऐसे निकले हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इसको लेके मिट्टी के ऊपर ऐसे ऐसे चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी अच्छे से लूज़ हो जाती है। ठीक है, इससे भी हेल्प मिल जाती है मिट्टी को थोड़ी सी लूज़ करने में। उसके बाद लेवलिंग का प्रोसेस होता है। लेवलिंग कैसे करते हैं, जो मिट्टी हुई उसमें क्रम्स बन जाते हैं, बिग पीसेस बन जाते हैं। बिग पीसेस को हम क्या कहेंगे, क्रम्स। तो क्रम्स को जब हम ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं, ऐसा डिवाइस जो जैसे ये मिट्टी के क्रम्स हैं, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करेगा तो ये मिट्टी के क्रम्स टूट जाएंगे और वापस से मिट्टी के फॉर्म में हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इसमें अर्थवर्म अच्छे से पनप पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से पनप पाएगा। फिर हमने उसके बाद देखा था सोइंग सीड्स, सीड्स अच्छी और हेल्दी सोइंग करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे बाइंड अप होती है, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में मैम ने आपको दे दिया है, और इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग ने अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।